फ्रेंड्स, आज एक टीवी आया हुआ है फिलिप्स का, जिसका मॉडल नंबर 24PFL3938 है। इसमें स्टैंड बाई प्रॉब्लम है। ये रेड इंडिकेटर इसका शो कर रहा है, लेकिन कोई भी की दबाने पर, ये की प्रेस करने पर ऑन नहीं हो रहा। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे। ये इसका पीसीबी है, जिसका कॉम्बो पीसीबी है, कॉम्बो मदरबोर्ड है। ये सनसुई, वीडियोकॉन और फिलिप्स में कॉमन है। इसका हम वोल्टेज चेक करेंगे। पहले ये एसएमपीएस से आउटपुट 24 वोल्ट होती है इसकी। सबसे पहले हम 24 वोल्ट चेक करेंगे। इस जिग पे हमें 24 वोल्ट मिलनी चाहिए। चौबीस पॉइंट टू 24.2 वोल्ट 24.2 वोल्ट आ रहा है, ये सही है। फिर यहाँ पे 12 वोल्ट चेक करेंगे। ये इन्वर्टर सेक्शन के लिए सप्लाई जाती है, इन्वर्टर के जो आईसी लगी है, ड्राइवर आईसी, उसकी सप्लाई 12 वोल्ट भी इसकी आउटपुट ठीक है। फिर ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी है, यहाँ पे इसका आउटपुट 5 वोल्ट होता है। तो 5 वोल्ट चेक करेंगे, यहाँ पर 5 वोल्ट आनी चाहिए। वोल्ट आउटपुट दे रही है। वोल्ट आउटपुट दे रहा है, ये 5 वोल्ट सही है। फिर 1.2 वोल्ट के लिए चेक करेंगे। यहाँ पे ये आईसी बर्न है, 1.2 वोल्ट आउट नहीं कर रहा। फिर इसको अब हम चेंज करेंगे, दूसरा आईसी डालेंगे। मेरे पास ये आईसी स्टॉक में है, जिसके वजह से मैं सेम आईसी डालूंगा। ये 5 पिन की 1.2 वोल्ट रेगुलेटर आईसी है। अगर आपके पास ए आई सी नहीं है, तो इसके जगह पर DC-to-DC मॉड्यूल आती है, उसे भी आप लगा सकते हैं, जिसका आउटपुट 1.2 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 2.5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट रहता है। उसको भी आसानी से यूज किया जा सकता है। यहाँ पे हम एक बार बोर्ड को शॉर्टिंग के लिए भी चेक कर लेंगे, आईसी निकालने के बाद में, ताकि आगे कोई शॉर्टिंग ना हो, जिससे कि आईसी हम डालेंगे तो फिर ख़राब होने का चांसेस कम से कम हो, नहीं हो। इसमें आगे शॉर्टिंग कोई नहीं बता रही है।
हॉट गन के माध्यम से आईसी को पहले फिक्स कर देंगे। फिर इसको एक बार सोल्डिंग आयरन की सहायता से सोल्डिंग भी कर लेंगे ताकि उसमें लूज कोई पिन लूज कांटेक्ट ना रह जाए। लूज कांटेक्ट होने पर कई एक बार वास्तविक वोल्टेज से जो 1.2 आउटपुट वोल्टेज है उससे भी ज़्यादा दे देता है, जैसे 1.2 की जगह पर 5 वोल्ट आ जाता है या 3.3 वोल्ट आउटपुट हो जाता है, तो उसकी गुंजाइश ना हो इसके लिए हम एक बार सोल्डिंग आयरन के माध्यम से भी उसको सोल्डिंग कर देंगे। एक बार फिर से रेगुलेटर आईसी लगाने के बाद शॉर्टिंग के लिए चेक कर लेंगे ताकि फिर कोई शॉर्टिंग वगैरह तो शो नहीं कर रहा। अगर शॉर्टिंग शो करे तो फिर उसको भी हमें सही करना पड़ेगा कहाँ पे शॉर्ट हो रही है, बट लेकिन इसमें बिल्कुल सही है, कहीं पे कोई शॉर्टिंग नहीं शो कर रही है। अब इसका पावर दे करके अब वोल्टेज के लिए चेक करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज कितना मिल रहा है। यहाँ पे 1.2 वोल्ट या 1.25 वोल्ट होनी चाहिए, इसमें 1.3 वोल्ट आ रहे हैं, ये भी वोल्टेज ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हम ऑन करेंगे, देखिए हमने की प्रेस किया पावर की, और ये ऑन हो गया, सेट ओके हो गया, मदरबोर्ड काम करने लगा। ओके, थैंक यू।